जीत आपकी होगी, जीत सच्चाई की होगी। जो बाइडेन साहब से दो चीजें हैं, बहुत बहुत ये जो बाइडेन साहब वहां गए हैं सर, ये आज सुबह उन्होंने डिसाइड नहीं किया था, काफी पहले हुआ था। आप जानते हो कि उनकी नेवल कैरियर ग्रुप, बैटल कैरियर ग्रुप्स वहां आ गए थे, सब कुछ देखने, नियंत्रण में है, कंट्रोल करने के लिए। जो बाइडेन साहब का विश्वास है कि ये जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है, इससे अमेरिका जा नहीं सकता। कुछ साल पहले अमेरिका मिडिल ईस्ट छोड़ के चला गया था और बोले हम पिवट टू एशिया कर रहे हैं, हम जाके चीन को ठोकेंगे, रशिया को ठोकेंगे, अब वो वापस आ गए हैं। दूसरी चीज, बाइडेन साहब का नरेंद्र मोदी की तरह पर्सनल डिप्लोमेसी में बहुत विश्वास है। तो आपने देखा किस तरह से एक दूसरे को जप्पी मारी, मिले नरेंद्र मोदी साहब भी ये बहुत करते हैं, मैं तो विशेष सलाहकार रहा हूं कई अफ्रीकन देशों में, वहां पे मैंने ये देखा है। अब जो रियल क्वेश्चन है सर, जिसके बारे में बहुत गर्मी हो रही थी कि इसराइल ने ये किया, अमेरिका ने ये किया, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर। 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था इसराइल पर, कितने निहत्थे लोगों को, 1200-1300 जो भी फिगर है, मार दिया, बच्चे भी थे, औरतें भी थी, एक्सेट्रा। सारी दुनिया की सहानुभूति इसराइल के साथ थी। बच्चों के या दूसरों के हॉस्पिटल पे हमला करके इसराइल उस सहानुभूति को क्यों खोएगा सर? हम लोगों को डिप्लोमेसी में ट्रेनिंग दी जाती है कि समझने की कोशिश करो, मकसद क्या है, इसराइल क्यों कर रहा है? बदला लेने के लिए हॉस्पिटल पे हमला करेगा? अरे बदला लेना है तो जाके जो हमास के आतंकी हैं उसको मारो, जिस तरह से आप मार रहे हो, कितने सारे उनके लीडर्स को, कमांडर्स को आपने ढेर कर दिया। इट डजंट मेक सेंस कि वो करेगा। किसको फायदा होगा? हमास को फायदा होगा, क्योंकि सर कुछ इंटरसेप्टेड कॉन्वर्सेशन मालूम नहीं, अगर मुझे हमारे जो मित्र आए हैं, मैं अरबी फ्लुएंटली बोलता हूं सर, तो अगर आप उनको प्ले करेंगे मैं उनका ट्रांसलेशन कर दूंगा। ये कुछ आतंकियों की रिकॉर्डिंग है अकॉर्डिंग टू द इजरायली डिफेंस फोर्सेस, उसमें जो कह रहे हैं कि हमला करो, ये विजिट को मत होने दो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये चीजें हैं सर। और सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है सर, मेरा आपसे अनुरोध है सर, डिप्लोमेसी में मुझे बहुत तजुर्बा है 50 साल का, अभी आप कुछ मत कहिए। इसराइल इज गोइंग टू गिव प्रूफ, और जो प्रूफ जब उसने दिया, और अगर वो कन्विंसिंग प्रूफ है, फिर आपके पास छुपने की जगह नहीं होगी जो आप आरोप लगा रहे हो इसराइल की। हाँ, ये जरूर कहेंगे जी प्रूफ हम नहीं मानते, उसका फिर कोई क्या कर सर, जब आपने ऑलरेडी अपना माइंड मेकअप कर लिया। तो मेरा मानना है, क्योंकि मैं उस एरिया में रहा हूं, इसराइल को कोई फायदा नहीं है हॉस्पिटल पर अटैक करने से, फायदा है तो जो इसराइल के ऑपोजिशन वाले हैं, जो हमास के लोग हैं या पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद वाले, उनको फायदा हो सकता है। जो बाइडेन साहब ने जॉर्डन भी जाना था वहां नहीं गए, इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने वहां जा वो नहीं गया, महमूद अब्बास साहब ने 3 दिन की नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर करी, वो नहीं जा रहे हैं, वहां जाते भी तो कोई फायदा नहीं था सर। जॉर्डन और इजिप्ट नहीं भिड़ेंगे इसराइल के साथ, वो IMF की रिपोर्ट देखिए पिछले महीने की, इन दोनों देशों की इकोनॉमी टूटने वाली है, क्यों लड़ेंगे वो सर, क्या मिलेगा उनको? उनके चाचा नहीं है, ताई नहीं है, भतीजे नहीं है सर। इस समय जो मीटिंग हुई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, हमास ने बोला है उन सबको कि तुम कंडेम करो, क्यों भाई हम क्यों कंडेम करें? और फिर ईरान बोल रहा है हाँ आप डेमोन्स्ट्रेशन करो, ये करो, क्यों करो? अगर दम है तो डायरेक्टली भिड़ो ना उसके साथ, ये नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है सर, एंड आई कंक्लूड सर, आपने समय दिया, आपका आभारी हूं, मेरा ये मानना है इसराइल एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक नेशन है, उसका संविधान है, 25% उसकी आबादी है, इस्लामिक समुदाय से उनका संबंध है, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजन दिए हैं कि जो माइनॉरिटी राइट्स है उनको रिस्पेक्ट किया जाए। इसराइल ये चीजें नहीं करता, बच्चों को गला काट के, सुना था आज मैंने अभी के शो पे कोई बता रहे थे कि एक ग्लास में बच्चे का खून भर के पी लिया, सच बोल रहे हैं झूठ, और वो हिंदुस्तानी समुदाय के सर। तो मैं कहना चाहता हूं मैम, मिस सोलोमन, प्लीज टेल आवर फ्रेंड्स इन इसराइल कि आज 140 करोड़ राइट थिंकिंग हिंदुस्तानी, आज हम सब इसराइली हैं, आज हम सब यहूदी हैं। यही पर रुकूंगा इसी नोट पर, लेकिन आगे बढ़ू उससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है हमास को लेकर। जो बाइडेन का बयान आया है, हमास फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधि नहीं है, यही बात कल एग्जैक्टली यही बात मोहम्मद अब्बास की तरफ से वहां की एजेंसी वाफा ने कही थी दो दिन पहले। और मोहम्मद अब्बास भी अब तक यही स्टैंड ले रहे थे कि हमास फिलिस्तीनियों की असली प्रतिनिधि नहीं है, असली PLO है। तो क्या कहना है बाइडेन का, ये सुना। The vast majority of Palestinians are not Hamas. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses innocent families in Gaza as human shields, putting their command centers, their weapons, their communications tunnels in residential areas. Palestinian people are suffering greatly as well. We mourn the loss of innocent Palestinian lives like the entire world. I was outraged and saddened by the enormous loss of life yesterday in the hospital in Gaza.
Based on the information we've seen to date, it appears the result of an errant rocket fired by a terrorist group in Gaza. तो फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद